वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर स्पाउस बिहेवियर विद यू पब्लिकली वर्सेस प्राइवेटली। तो पब्लिकली उनका बिहेवियर आपकी तरफ किस तरीके का रहेगा या प्राइवेटली किस तरीके का रहेगा, कुछ डिफरेंसेस होंगे या नहीं होंगे वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर वन, पाइल नंबर टू। पाइल नंबर वन को आप मैनिफेस्टेशन से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उस तरीके से पाइल नंबर टू है, आप बिलीव इन मैजिक से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर वन, अगर आपने मैनिफेस्टेशन को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि उनका भी नाइट ऑफ वांड्स, एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी, नेक्स्ट स्टार एस ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है, नेक्स्ट स्टार एक्वेरियस एनर्जी है, नेक्स्ट स्टार एट ऑफ वांड्स, किंग ऑफ वांड्स, जजमेंट स्कॉर्पियो की एनर्जी है, नेक्स्ट स्टार है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, और नेक्स्ट स्टार है एम्प्रेस, टॉरस और लिब्रा की एनर्जी है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपके स्पाउस का बिहेवियर जो है पर्सनली बहुत ज़्यादा एडवेंचरस रहेगा, पैशनेट रहेगा, इंटीमेट रहेगा। उन्हें आपको टच करना, थोड़ा कभी कभी छेड़ देना, आपके बातें करना, आपसे खूब सारी बातें करना, आपके बारे में सच बताना, आपसे सच बताना, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो अपनी रूटीन बताते होंगे, मैंने आज ये किया, मैंने आज वो किया, मैंने आज इससे बात करी, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऑब्वियसली ये नहीं कि मैंने आज पेन उठाया लिखने के लिए, ये नहीं, इरिटेटिंग वाली चीज़ नहीं, लेकिन हाँ ये चीज़ कि मैंने आज इससे बात करी तो ये हुआ और ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो इस तरीके से। यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स है, सेवन ऑफ कप्स है, स्टार है। तो ये पर्सन जो है वो आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको चूज़ करने में मदद भी करेंगे, प्लस आपसे मदद भी लेंगे। अगर जैसे मान लीजिए वो जो है किसी वर्किंग प्लेस पे काम कर रहे हो और वहाँ पे जो उनकी फील्ड है और उन्हें नहीं समझ आ रहा कि अब क्या करना चाहिए, तो एक मोटा मोटा पर्सपेक्टिव आपको दे देंगे, तो आप उनकी हेल्प कर रहे हो, या फिर जो है आपको हेल्प की ज़रूरत है तो वो आप कर रहे हो। यहाँ पे जो है इमोशनली वो आपको बहुत ज़्यादा जो है, जैसे आप ऑफिस से आए हैं, फ्रेश हो गए हैं तो गले लगा लिया, या फिर जो है एक छोटा सा प्यारा सा किस कर दिया, या आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ ले आए, या आप भी अपने ऑफिस से आ रहे हो तो थके आ रहे हो, या फिर जो है ऑफिस से ही पूछ लिया कि तुम अपने आप से मत आओ, मैं तुम्हें पिकअप करने आ रहा हूँ या आ रही हूँ। तो इस तरीके से है कि अपनी एडजस्टमेंट के हिसाब से, अपने सर्कमस्टांसिस के एडजस्टमेंट के हिसाब से जो प्राइवेटली है वो इस तरीके से रहेगा। अगर बारिश हो रही है तो वो आपके लिए छाता पकड़ के खड़े हो रहे हैं, या फिर जो है बेंच पे बैठे हैं तो वो जो है आपके लिए कुछ लेकर आ रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे मैं महसूस कर रही हूँ। काफ़ी गिविंग पर्सन है, एडवेंचरस पर्सन है। आपके साथ जो है हंसी मजाक करना, आपके साथ जो है एक अच्छा टाइम स्पेंड करना, आप कभी परेशान हो या उदास हो तो आपको जो है ऐसी बातें बोलना जिससे आप ना चाहते हुए भी हंस पड़ो, तो इस तरीके का एक लविंग रिलेशनशिप है। स्टार कार्ड आया तो एक विश फुलफिलमेंट है, ईश्वर की तरफ से एक ब्लेसिंग है आप दोनों एक दूसरे के लिए। वो आपकी भावनाओं की बहुत ज़्यादा कद्र करते होंगे और आपकी जो सेंसिटिव इश्यूज़ हैं या जो कह सकते हैं बहुत ही सेंसिटिव जो टॉपिक्स हैं उस पे जो है वो रूडनेस नहीं क्रिएट करते हैं, समझदारी से जो है उस चीज़ को टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो उनका बिहेवियर जो है आपके लिए आफ्टर ऑल जो है वो लविंग रहेगा। लेकिन हाँ, अगर बेड की बात करी जाए या इंटीमेसी की बात की जाए तो काफ़ी पैशनेट और एक्सपेरिमेंटिंग वाले ये पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है पब्लिकली इनका किस तरीके का बिहेवियर है। तो काफ़ी रिस्पेक्टफुल ये बिहेवियर रहेगा, एक किंग और क्वीन की तरीके से। जैसे होता है ना कि अगर आप अब मैं कैसे कहूँ कि अगर आप पब्लिकली किसी के सामने हो या एक हायर अथॉरिटी जो होती है, वो अपने जो पर्सनल रिश्ते होते हैं कि उसमें नोक झोंक हो रही है, उसमें हाथ पकड़ लिया, उसमें जो है ये सब किया, वो बाहर कर रहे हैं तो बाहर नहीं कर रहे हैं, काफ़ी प्राइवेटली और एक रिस्पेक्ट के साथ, एक ग्रेस के साथ ये पर्सन चलना पसंद करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ वॉन्ड्स है, जजमेंट है, पेज ऑफ कॉइंस है और एम्प्रेस है। तो ये पर्सन जो है आपको एक एम्प्रेस की तरीके से ही ट्रीट करना पसंद करते हैं, एक नर्चरिंग में, एक रिस्पेक्टफुली तरीके से। जैसे ऐसा नहीं है कि वो गाड़ी का दरवाज़ा आप अपने आप नहीं खोल सकते हो, बट अगर काफ़ी ज़्यादातर केसेस में जो है वो आपके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलेंगे, उनको सुकून है, या आप जो है जो भी काम कर रहे हो उसमें आपकी मदद करा देना। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे कि पब्लिकली आपको बहुत रिस्पेक्टफुल, ग्रेसफुल तरीके से जो है वो कैरी करने की इच्छा रखते हैं, और वो करते भी होंगे। आपके बारे में गुड चीज़ें बोलना बड़े ही रिस्पेक्टफुल और नपे तले जो शब्द होते हैं उस तरीके से जो है वो आपको बोलना। तो ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ।
ऑलमोस्ट परफेक्ट तरीके से है। ये आपके लिए एक ईश्वर के तरीके से ब्लेसिंग है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में है। वो अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या कुछ नए चीज़ को न्यू बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी जो आपको ये सपोर्ट करेंगे। ऐसे नहीं, ज़्यादातर केसेस में स्पाउस होते हैं ऐसे कि भाई तुम नहीं ये कर पाओगे, तुम ये नहीं कर सकती हो, ये वगैरह वगैरह। ये पर्सन सपोर्टिव होंगे आपके लिए पब्लिकली भी और पर्सनली भी। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है और आपको बहुत अच्छी तरीके से ग्रेसफुली और पब्लिकली ट्रीट करेंगे। ये चीज़ ये नहीं है कि पब्लिक में जो है बहुत अच्छी तरीके से बिहेव किया और पर्सनली जो है वो अच्छे से बिहेव नहीं किया। काफ़ी हद तक सिमिलर ही रहेगा, लेकिन हाँ जो इंटीमेट चीज़ें हैं या हंसी मजाक है वो जो है पब्लिकली नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी ग्रेसफुल उन्हें अपने दिखाना है। इमेज एक होगी या समाज में जो रुतबा है या रिस्पेक्ट क्रिएट हुई है तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा चिपकना या बाकी सब चीज़ें जो स्टुपिडिटी है या बचकानी हरकतें हैं वो सब वो नहीं करेंगे। एक ग्रेसफुल किंग और क्वीन की तरीके से जैसे रॉयल्टी दिखती है वो चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है लाइफ एनर्जी, द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ लाइफ गिविंग। आप इस पर्सन के लिए सनशाइन हो, लाइफ गिविंग एनर्जी। शी रिमाइंड्स यू टू शाइन योर लाइट एंड टू रिवील एनीथिंग इन द शैडोज दैट नीड्स टू बी हील्ड। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि जो शैडो है वो अगर है भी कोई फियर है कोई शैडो है तो उसको हील होने के लिए टाइम देंगे। नेक्स्ट आ रहा है मैनिफेस्टेशन, गोल्डन कलर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा, ब्राउन कलर या डार्क ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। स्पेसिफिक मैसेज आ गया था तो मैंने बता दिया। बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट व्हाट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, नाउ राइट इट डाउन ऑन अ पेपर, मैनिफेस्टेशन स्टेप वन। नेक्स्ट आ रहा है ह्यूमर, तो एक हंसी मजाक करना लेकिन वो पब्लिकली नहीं करेंगे, प्राइवेटली ज़्यादा करेंगे। आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ और ग्रोथ, ग्रोथ को एक्सपैंड करना। आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। तो यहाँ पर ये चीज़ है लाइफ में जो है आगे बढ़ते जाना, ग्रोथ लेकर आना, सिर्फ पैसे से नहीं, स्पिरिचुअली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी, और उसकी डेप्थ को समझना और आगे बढ़ना। तो इस तरीके का बिहेवियर जो है वो उनकी तरफ से आपके लिए होगा। चलिए देखते हैं कुछ चांस आपके लिए। यहाँ पे लव आ रहा है तो ये पर्सन लव करेंगे ऑब्वियसली। नेक्स्ट आ रहा है पगमाक आया है तो ग्रोथ दिखा रहा है ये। नेक्स्ट आ रहा है फिश है, प्रॉस्पेरिटी, पैसा होगा, पैसा, ठीक है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हैमर आया है, तो जो चीज़ें सही नहीं है उसका जिम्मा वो अपने ऊपर लेते हैं और आगे बढ़ना। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए कुछ सॉन्ग। तू ही रे बॉम्बे मूवी का है, देख लेना, बहुत अच्छा गाना है और एक ऐसा गाना है कि जो भावनात्मक रूप से गाया गया है, इमोशंस के बेस पे गाया गया है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, तंकिश बागची का है, देख लेना। और नेक्स्ट है आपके लिए गुजरने दो जावेद अली का, ओके। तो देख लेना कौन सा गाना है इस तरीके गाने जो आपको डेडिकेट करने की इच्छा रखते हैं। तो पाइल नंबर वन ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। टू, अगर आपने बिलीव इन मैजिक में चूज़ किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस का बिहेवियर किस तरीके का रहेगा। टॉरस कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, नेक्स्ट आ जजमेंट स्कॉर्पियो एनर्जी, नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस है, टू ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ कप्स, एस ऑफ कॉइंस, हाई प्रिस्ट्रेस, किंग ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा द फूल, एक्वेरियस एनर्जी। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे ये है कि आपके स्पाउस का बिहेवियर जो है वो आपके साथ किस तरीके का रहेगा। ये पर्सन पब्लिकली जो है वो आपको रिस्पेक्ट से देखेंगे, एम्बिशियस पर्सन होंगे आप भी और ये भी, दोनों लीडरशिप क्वालिटी में भी हो सकते हैं। लेकिन ये पब्लिकली भी जो है कभी कभी, ज़्यादा नहीं लेकिन कभी कभी जो है अपने लव को एक्सप्रेस करना पसंद करेंगे। जैसे फ़ोटो खींच रही है या कुछ और हो रहा है तो आपका हाथ पकड़ लेना या फिर जो है आपके कंधे पे जो है सिर रख देना, कुछ इस तरीके से। तो इमोशंस प्लस जो है वो जो एक अथॉरिटी है उसको जो है एक अच्छे बैलेंस जो है वो क्रिएट करेंगे। यहाँ पे सिक्स ऑफ कॉइन्स भी है, तो इक्वल गिव एंड टेक देना, नर्चरिंग करना, आपको जो है फ्रीडम देना। ऐसी चीज़ नहीं है कि ये नहीं करो वो नहीं करो, ऐसी चीज़ें यहाँ पर नहीं है। देखिए थोड़ा सा डिसिप्लिन ये पर्सन होंगे और आपको भी अपनी लाइफ डिसिप्लिन में ही जीनी पड़ेगी। हो सकता है आर्मी बैकग्राउंड से हो सकता है डिफेंस से हो, या इनका
काम ही इस तरीके का कि अगर डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे तो काम नहीं बनेगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे, वो आपको अपने डिसीजन लेने की पूरी खुली छूट देंगे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो वो आपसे गाइडेंस लेंगे भी और आपको देंगे भी, तो दोनों ही चीज़ यहाँ पे है। तो प्राइवेटली जो है वो बहुत ज़्यादा, या पब्लिकली जो है उनका काफ़ी सिमिलर ही नेचर रहेगा। लेकिन ये चीज़ है कि ये पब्लिकली भी जो है अपने अफेक्शन को, अपने प्यार को जो है वो इजहार करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आर टू ऑफ कप्स है, एस ऑफ कॉइन्स है, हाई प्रिस्टिस है, किंग ऑफ सॉर्ड्स है, द फूल है। बहुत सारे लोग एजम्पशन ये करते होंगे कि आप दोनों के बीच में जो है पता नहीं किस तरीके का एक पर्सनल रिलेशनशिप होगा, देखने में अच्छा लगता होगा, क्यूट लगता होगा, लेकिन लोग एज्यूम करते होंगे कि आपका जो पर्सनल या इंटीमेट रिलेशनशिप है वो किस तरीके का है, उस चीज़ पे मिस्टीरी है, उस चीज़ को जो है छुपा कर रखना पसंद करते हैं। सॉलिड फाउंडेशन है, जो भी है, पैसा है, बिल्डिंग है, बाकी सब मटीरियल पोजेशंस है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपके नाम होंगी, ऐसी चीज़ है। और वो आप पे विश्वास करते हैं, आप उन पे विश्वास करते हो। यहाँ पे टू ऑफ कप्स भी आए, तो वही चीज़ है कि लव जो है या सोलमेट वाला कार्ड है, ऐसी एनर्जी है। वो आपको ऐसा देखते हैं कि आप एक मैजिकल पर्सन हो, आपने उनकी लाइफ में मैजिक कर दिया, ऐसा उनका सोचना है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स है और फूल का कार्ड है। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स भी जो है वो यही एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर पा रहे हो, प्लस जो है आपके लिए प्रोटेक्शन में भी खड़े रहेंगे। तो प्राइवेटली पब्लिकली भी जो है ये प्रोटेक्शन में हमेशा ज़रूर खड़े रहेंगे। वो आपको जो है कभी रोकते नहीं होंगे कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, जो आपको करना है आप करो। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। पब्लिकली जो है वो बहुत रिस्पेक्टफुली, पहले आप बैठो फिर मैं बैठूँगा, या आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो कुछ इस तरीके की चीज़ रहेगी, रॉयल्टी रहेगी। लेकिन प्राइवेटली जो है वो आपको कैसे कहूँ मैं कि एक दीवानगी जो है वो रहेगी आपके लिए। तो ऐसी एनर्जी है, ये पर्सन को किसिंग करना, बाकी सब चीज़ें करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, लेकिन वो पब्लिकली होगा नहीं होगा, सॉरी, पब्लिकली बिल्कुल भी नहीं होगा, प्राइवेटली होगा ज़्यादातर केसेस में। और प्राइवेटली जो है वो ऐसी चीज़ होगी कि आप लोग खुश रहते होंगे। तो एक ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, और बहुत ही जल्दी जो है आप, मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये न्यू बिगनिंग आ रही है फिर से, तो एक बेबी को क्रिएट करना या ये चीज़ यहाँ पर रहेगी। आपकी मर्ज़ी है कि आपको एक बेबी करना है या दो करना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। तो लोग जो है आपसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, या इस पर्सन से क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आप अपनी लाइफ के बारे में क्या डिसीजन ले रहे हो, या बेबी के बारे में क्या डिसीजन ले रहे हो। तो कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। तो वो चीज़ है डिसिप्लिन जो है वो हेल्थ रिजीम में हो सकता है, काम करने में हो सकता है, इस तरीके से है। नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस, आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। तो ये चीज़ है कि अबंडेंस यहाँ पे आ रही है, पैसा आ रहा है, हेल्थ आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, खुशी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है न्यू बिगनिंग, द फेरी गॉड मदर हर्ड्स द जॉयस न्यूज ऑफ अ न्यू बेबी और द बर्थ ऑफ अ चेरिश्ड आइडिया, प्रोटेक्ट एंड नर्चर योर आइडियाज़ एज यू वुड बी अ बेबी। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि एक न्यू बिगनिंग आ रही है लाइफ में, आप खुशी महसूस कर पा रहे हो और सब कुछ जो है वो सुचारू रूप से सही तरीके से चल रहा है। और नेक्स्ट आ रहा है बिलीव इन मैजिक, ओपन योर आइज एंड सी द मैजिक। तो आप लोग मैजिकल तरीके के रिश्ते में हो, लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि आप दोनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग कैसे है, वो आप दोनों ही जानोगे ऑब्वियसली, क्योंकि हाई प्रिस्टेस है, मिस्ट्री है यहाँ पे, आपका बॉन्डिंग किस तरीके से इतना गहरा हुआ वो आप ही दोनों जानते हो। जैसे विराट कोहली और अनुष्का का है ना, वो वाली चीज़ है यहाँ पे, कि ऊपर से देख के ऐसा नहीं लगेगा कि पता नहीं क्या है, लेकिन अंदर से इतना ज़्यादा गहरा एक अटैचमेंट है जो और लोगों में नहीं होता है ज़्यादातर केसेस में, वो चीज़ है। ओपन योर आइज एंड सी द मैजिक दैट्स ऑल अराउंड इन नेचर, द फेरी ऑफ द नॉर्दर्न लाइट सेज यू आर पार्ट ऑफ नेचर सो यू आर मैजिकल टू। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप भी मैजिकल हो, ये भी पर्सन है, और आपकी लाइफ में भी जो है एक नया ग्रोथ आएगा जो आपको बेबी के रूप में दिख रहा है, या नए आइडिया की तरीके से भी हो सकता है। आप अगर हेयर एक्सेसरीज में जो लगाते हो, जैसे पता नहीं मुझे कि उसे क्या बोलते हैं, जो सिर पे पहनते हैं आजकल जो है, जो वो प्रेगनेंसी को फोटोशूट लोग कराते हैं तो उसमें पहनते हैं सिर पे समथिंग, वो चीज़ जो है वो उन्हें बहुत अच्छी लगती होगी आपके ऊपर। तो ऐसी एनर्जी है, और सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुन के वो ही सबसे ज़्यादा खुश होने वाले हैं, जो आपके स्पाउस होंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो एक डेस्टिनी है यहाँ पे, और आप लोग एक फ्रेंडशिप के तरीके से है, डॉल्फिन का कपल आया है, वह फ्रेंडशिप के तरीके से है, और उस चीज़ को बहुत डीपली आप लोग एहसास करते हो। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए।
तेरे चले आने के बाद विभास अरोड़ ने गाया, और नेक्स्ट आ रहा तुम्हें अपना बनाने का नीति मोहन ने गाया, और नेक्स्ट है सनम रे अरिजीत सिंह ने गाया। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं, प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।